Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, आपकी शादी किससे होगी, आपके लाइफ पार्टनर कौन होंगे, हु इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो यू नीड टू चूज योर पायल. And here you can see two options with pile number 1 and 2. These are your birth dates and you can choose accordingly. And whoever chooses the pile intuitively, जो तो feathers नज़र आ रहे हैं आपको, उसमें से जो भी आपको attract कर रहा है आप choose कर सकते हैं. I would see on your reading and your timestamps are given down in the description box. And I will see you there. Hello, and welcome group number 1. If you chose the first option, my love, let's see what comes up for you. लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए. एंड लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 1, हु इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस. लेट्स सी. ऑलराइट, दिस इज़ दी 10 ऑफ कप्स एंड दिस इज़ 5 ऑफ वंड्स रिवर्स. हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एंड दिस इज़ 3 ऑफ कप्स एनर्जी. ऑलराइट, सो यहाँ पर जो चीज़ निकल कर के आती है दैट इज़ रिलेटेड टू योर हाउस होल्ड सिचुएशंस. ओके, क्योंकि इफ़ यू सी हियर कि यहाँ पर है 10 ऑफ वंड्स एंड 3 ऑफ कप्स एनर्जी, लिटरली अ रिप्रेजेंटेशन कि कितना अच्छा आपका फैमिली लाइफ होने वाला है. ओके, फाइव ऑफ जो आपके पास वॉन्ड्स का रिवर्स की यहाँ पे एनर्जी आई है, ये यहाँ पे ये शो करता है कि आप और आपके स्पाउस एक ऐसा कपल होने वाले हैं और इस पर्सन की नेचर बेसिकली ऐसी है कि दैट पर्सन इज़ नेवर अ फाइटिंग वन. ओके, ये कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि आपके साथ ये फाइट कर रहे हैं या फिर आपको टॉर्चर कर रहे हैं या फिर ये किसी भी किस्म का मैस क्रिएट करने वाले हैं घर में. बिकॉज देयर इज़ 10 ऑफ कप्स एंड आई एम डेड श्योर कि आप और आपके स्पाउस में जो आप लोगों की फैमिली लाइफ है, जो आप लोगों की हस्बैंड वाइफ और विद योर फ्यूचर किड्स, इट्स एब्सोल्युटली गोइंग टू बी मार्वेलस. ओके, और आपको कोई भी मतलब फैमिली में या फिर रिलेटिव्स में ऐसा कोई कहने नहीं वाला है कि लिटरली कि यू नो किसी किस्म का ताना या किसी किस्म की ऐसी चीज़ की जहाँ पर आपको लगे कि भी मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं है. बिकॉज दिस इज़ सच अ बेस्ट गुजारा, लिटरली दिस इज़ सच अ बेस्ट गुजारा. और यहाँ पर आपके स्पाउस की जहाँ तक मुझे नेचर दिख रही है दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह का बंदा है कि मिलजुल कर रहने वाला. और उसी 3 ऑफ कप्स की जो वाइब है दैट इज़ अगैन ये एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जॉली नेचर है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इसे बोलते हैं ना हैप्पी पर्सन है, ठीक है, मतलब बिला वजह कोई गुस्सा नहीं, बिला वजह कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि जहाँ पर इनको इस किस्म की वाइब नज़र आए. कि कुछ लोग होते हैं ना जान के लड़ाई डाल के रखते हैं घर में, दिस इज़ नॉट योर पर्सन्स वाइब, ठीक है. सो दिस पर्सन इज सच अ हैप्पी पर्सन. कोई इवेंट है, कोई यू नो त्यौहार है, जो भी है घर में सिचुएशन, दे आर ऑलवेज रेडी, दे आर ऑलवेज गुड टू गो. सो दैट्स वाई आई कैन सी कि यू आर सो लकी टू यू नो हैव अ पर्सन लाइक योर मैन और योर वुमेन. ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर. I just wanna check out something about के ये है कौन, ठीक है. So this is 9 of cups. Well, यहाँ पर पाइल नंबर 1, ये बहुत ही हाई इस चीज़ की वाइब है कि आपके पर्सन एक ऐसा इंसान है कि जो
लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं. यस दे लव लग्जरी लाइफस्टाइल, दे लव टू बाय थिंग्स, दे लव टू स्पेंड मनी, दे डू सो मैनी थिंग्स के मतलब आपको लिटरली आर गोइंग टू बी आपको मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने का इनके साथ. ओके और इनकी लाइफस्टाइल भी सिंपल नहीं है. यस ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि गुजारा करो ये है वो है. नो वो ख़ुद भी इनके खर्चे ख़ुद भी कम नहीं है. ठीक है दे आर ऑलवेज इन टू एनर्जी के ये काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते हैं पैसे अच्छे खासे. और इनकी गाड़ी अच्छी है, इनके यू नो कपड़े, इनकी एवरी थिंग इज़ लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड आई नो किसी पर्सन की एनर्जी बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल की, और आपका लाइफस्टाइल भी इसके साथ इस पर्सन के साथ होने वाला है बहुत ही लाइफ आउट क्लास. ठीक है ओ माय गॉड नाउ दिस इज आवर एनर्जी लाइक पाइल नंबर वन. दिस पर्सन इज सो पहले तो बात डेस्टाइन है. दिस इज डेस्टिनी. आप और आपके पर्सन आर गोइंग टू बी टुगेदर फॉर एवर. ठीक है और कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि आप लाइक कभी भी ऐसा नहीं होने होगा कि कोई होता है ना कि आप कभी शादी के बाद या कुछ भी आपने दस होता आपका तो भी किस्मत ही अच्छी नहीं थी, मेरा भाग ही ख़राब था या इस तरह का, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. ठीक है एक और चीज़ जो स्टार कार्ड को रिप्रेजेंट करती है दैट इज़ द थिंग कि जहाँ पर आप और आपके पर्सन सरप्राइजिंगली मिलते हैं. ठीक है तो इट इज़ पॉसिबल कि आप और आपके पर्सन की जो मीटिंग है वो सरप्राइज हो, मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज मीटिंग. अचानक से आप दोनों मिले एक दूसरे से और या फिर बिल्कुल जब एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आपने लाइफ में जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे. ठीक है एम्परर मतलब हो सकता है आपसे एज में थोड़े से बड़े हों क्योंकि यहाँ पर एक बड़े एज की वाइब है. ओके बड़े एज की वाइब है यहाँ पर. ये वाइब है कि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, आपसे ज़्यादा कमाते हो सकते हैं या फिर ये पर्सन आपसे ज़्यादा आई डोंट नो बट मतलब जो भी है ना बहरहाल ये पर्सन इज़ मोर देन यू इन मे बी एज फाइनेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ भी है. ठीक है एंड दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी कमिटेड बिकॉज एम्परर से ज़्यादा कमिटेड कार्ड कोई नहीं होता. ठीक है मैं ऐसा मानती हूँ कि समटाइम्स किंग ऑफ पेंटिकल्स से ज़्यादा कमिटेड कोई नहीं होता लेकिन मेरी ऐसी एक्सपीरियंस है पर्सनली कि जो एम्परर का कार्ड है ना दे आर समटाइम्स मोर देन दैट ऑफ दैट इवन किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो अगर आप ऐसे पर्सन की तलाश में हैं कि जो कमिटेड होने चाहिए यू आर ऑन द राइट ट्रैक. एज ऑफ कप्स You are their wish fulfillment. Okay, देखो आप जो भी है ना जो भी आपका सीन है आप और आपके पर्सन मतलब दे लाइक यू दे लव यू दे वॉन्ट टू बी विद यू. ठीक है और आप इसकी जिसे बोलो ना कि समटाइम्स हो सकता है कि दिस इज़ योर लव मैरिज. ठीक है अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं अगर आप किसी के साथ यू नो रिलेशनशिप में हैं ओह माय गॉड दिस इज़ योर टाइम. ओके दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट और ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा चाहता होगा एज लवर एज कुछ भी बोल लो यार. यहाँ पर लिटरली थ्री पेज ऑफ कप्स होती है ना जो इंसान बहुत इमोशनल होते हैं एंड फॉर अ फ्यू फ्यू इट कैन बी योर फर्स्ट लव एज वेल. ठीक है क्योंकि ये फर्स्ट लव का कार्ड है. आई नो हाउ लकी यू आर ग्रुप नंबर वन पेज ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पे ये चीज़ जाहिर करती है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना न्यू लव हो सकता है आपकी ज़िंदगी में. हो सकता है आपने कुछ खो दिया हो पीछे या मे बी यू डोंट वांट टू परस्यू विद योर प्रीवियस पार्टनर और आप आगे बढ़ना चाहते हैं. ठीक है तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये शो करती है कि यूनिवर्स आपको एक नया रास्ता नया राह ठीक है ना न्यू वे दिखाना चाह रही है. एंड यू हैव यू लिटरली हैव टू एम्ब्रेस दैट वेरी न्यू एनर्जी.
गाइस पॉसिबल है या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी या यू नो स्कूल टाइम में जो भी आपके यू नो लोग हैं वहाँ पर ये हो सकता है हो. ओके एंड दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स अगैन. हो सकता है कि जैसे मैंने बोला आपके स्कूल कॉलेज की वाइब है, लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ये पर्सन जहाँ आप जॉब करने जाते हैं, ठीक है, आपकी जो वर्क प्लेस है दैट इज़ गोइंग टू बी थिंग, ये वहाँ पर हो, क्योंकि आई थिंक आपको यूनिवर्स से एक नई जॉब, एक नया चीज़ देने वाले हैं एज अ गिफ्ट या फिर बोल लो एज अ एनी थिंग, ठीक है, और यू आर गोइंग टू बी सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स के भाई आपने ऐसा सोचा भी शायद ना हो कि मुझे ये वाला जॉब मिल जाए, बिकॉज दिस इज़ योर ड्रीम जॉब. हो सकता है इस जॉब के लिए आपने बहुत ज़्यादा वेट किया हो, स्ट्रगल किया हो, ठीक है, तो बहुत जल्द आपको एक अच्छी एक ईमेल एक चीज़ ऐसी मिल सकती है. सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? किंग ऑफ सोर्स. देखो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दीज आर दी एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई, और मुझे जो यहाँ पर ज़ोडियक साइंस दिख रहे हैं वाटर साइन के पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एंड अर्थ एनर्जी टॉरस कैप्रिकॉन एंड वर्गो. सो आपके पर्सन की जहाँ तक बात है कि दिस पर्सन इज़ वेरी प्रोफेशनल, दिस पर्सन इज़ वेरी इन्होंने एनर्जी के जहाँ पर इसके पास हाई लेवल की डिग्री हो सकती है इस पर्सन के पास. दे आर आई थिंक दे आर इन आईटी, ठीक है, टेक्नोलॉजी साइंस अकाउंट्स, ठीक है, ये एक ऐसी जॉब करते हैं कि जहाँ पर हायर डिग्री, जब तक आपके पास उसकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है आपको वहाँ पर जॉब नहीं मिल सकती, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल डिग्री है. लाइक मतलब अगर आपके पास उस लेवल की एजुकेशन नहीं है तो आप ख़ुद भी नहीं वो जॉब करोगे, क्योंकि आपको आता ही नहीं है वो करना, ठीक है, लाइक डॉक्टर, लाइक इंजीनियर, लाइक तो आई टी प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर डिवेलपर्स. सो ये इस किस्म का इसका मुझे दिख रहा है प्रोफेशन, ठीक है जी. अनदर थिंग इज़ विद टेन ऑफ पेंटिकल्स. देखो ये पर्सन एक ऐसा मैजिकल इंसान है कि यहाँ इसको साथ साथ इसके के इसके ये अपने फैमिली को खुश रखे, ठीक है ना, फैमिली को तो खुश ही रखता ही है, उसके साथ साथ ये बंदा जो है इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को जो एक मेन चीज़ है अपनी यू नो वाइफ को या हस्बैंड को खुश रखने के लिए, दैट इज़ हिज स्ट्रेंथ, ठीक है. सो दिस पर्सन अर्न्स वेरी वेल, नॉट रियली दिस पर्सन अर्न्स, रेदर मैं कहूँगी कि इसकी जो फैमिली है दे आर ऑल्सो वेरी रिच, इनके पास बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, एंड यू नो मच मोर आई कैन सी फॉर योर पर्सन. देखो सिक्स ऑफ सोर्स है, या तो ये बंदा, ठीक है, या तो ये बंदा होगा एब्रॉड से, ठीक है, या फिर ये कहीं से आया होगा. ये भी हो सकता है कि शादी के बाद यू एंड योर पार्टनर कैन मूव टू सम अदर कंट्री, ठीक है, और मे बी सम अदर यू नो सिटी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है, अच्छा खासा यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है, ठीक है जी. वर्ल्ड एनर्जी है तो मैं ऐसे बोलूँगी डेफिनेटली दिस इज यू नो कैन बी फॉरनर और मे बी हैविंग पीआर ऑफ सम अदर कंट्री, ठीक है, और मुझे ऐसे दिखता है कि इस पर्सन से शादी के बाद आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी ज़िंदगी की वो एक चीज़ होती है ना कि मैं वो नहीं कर सका, मेरी वो ख्वाहिश थी, दैट इज़ गोइंग टू बी 100% फुलफिलिंग. ओके सिक्स ऑफ कप्स है, आपकी बचपन की मोहब्बत हो सकती है, या फिर अगर आपके बचपन की कोई मोहब्बत है या आप उसको नहीं चाहते हैं देन दिस पर्सन इज़ विद सिक्स ऑफ कप्स योर प्रीवियस लाइफ पार्टनर, ठीक है, दे आर योर प्रीवियस लाइफ पार्टनर. सो ऑल्सो विद दिस यू नो अगर हम देखें यहाँ सिक्स ऑफ कप्स और जो वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है, ये दोनों कार्ड जो हैं, ठीक है,
इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि कुछ ना कुछ है अब्रॉड से आप लोगों का, ठीक है। सो आप इन कार्ड्स को देख सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई नो अबाउट योर पर्सन, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है अब्रॉड की। मैं कभी भी रीडिंग, किसी रीडिंग में इतनी अब्रॉड की वाइब नहीं देती हूँ कि अब्रॉड की यू नो सिचुएशन है, बट यहाँ है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी कि आप और आपके स्पाउस का जो कनेक्शन है वो कैसा रहने वाला है आपसी। ऑलराइट, ओ माय गॉड, नाउ दिस इज़ यू नो सोलमेट, लाइक लिटरली यू गाइज आर सोलमेट टू ईच अदर। आप देख सकते हो ये कार्ड, आपको आई थिंक इनवर्स नज़र आ रहा होगा, बट दिस इज़ अ सोलमेट, इसी ये सोलमेट लिखा हुआ है, राइट। सो ओ माय गॉड, यू नीड टू लिटरली सी पाइल नंबर वन, क्लेम योर सोलमेट। मैं जब आपको बोल रही हूँ कि यू नीड टू क्लेम योर सोलमेट, यू शुड, ओके, बिकॉज आई कैन सी यू ऑलरेडी विद देम, आई डोंट नो व्हाई, बट स्पेशली इफ़ यू आर वेयरिंग रेड, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, पर्पल कलर कपड़े, क्लोथ्स, ड्रेस, डेफिनेटली you have manifested your soul mein already. Wisdom, dekho ye connection hi pura wisdom pe based karta hai. This person is very wise, okay, very wise. Forgiveness, so forgiving, theek hai. Arya person ise bolte hai na, bahut kind hai aapke spouse, okay, they are very very kind. So I just wanna check out more about their personality. Acceptance, देखो एक चीज़ यहाँ पर है, ग्रुप नंबर वन, चाहे आप मानो या आप ना मानो, it doesn't matter. The only thing which is real here is के आपका जो destined partner है, देखो आपकी शादी इसी से होनी है, चाहे, ठीक है, चाहे आप जो मर्जी कर लो ये ना करो, ये इंसान जो है आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को। तो बेहतर यही है कि सरेंडर कर दो, क्योंकि दिस इज़ द वन, और इसके अलावा कोई आपको नहीं लेके जा सकता। और अगर कोई ऐसा सीन है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कन्फ्यूज करोगे, ये कन्फ्यूजन का कार्ड, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहा है। ये देखा, यू कैन सी दिस खजाना, ठीक है, ये डिस्ट्रॉयर, तो यूनिवर्स आपको इस पर्सन को दे रहा है। एंड एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट दिस अबंडेंस, यू नो व्हाई आर्ट यू यू नो, मैं आई थिंक यहाँ पे कोई है, आई डोंट नो, बस आई एम जस्ट चैनलिंग यू कि आप बिला वजह ही यू नो किसी के पीछे जा रहे हैं, एंड दैट पर्सन इज़ जस्ट प्लेइंग दोज माइंड गेम्स विद यू, और आपको वो कमेंट नहीं दे रहे हैं, और आपके आई थिंक पेरेंट्स कहीं और जा रहे हैं, और आप वहाँ भी यस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। डू नॉट डू दिस टू योर सेल्फ, ठीक है, खुद के साथ ऐसा मत करो। और आई थिंक यू नीड टू गो विद योर पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि अगर आपको वहाँ से कमिटमेंट नहीं मिल रही, दैट पर्सन इज जस्ट यूजिंग यू, ठीक है। ओके गाइस, सो अब हम देखेंगे सम चार्म्स या फिर मिस्ट्री बाउल मैसेजेस फॉर योर पर्सन। ऑलराइट, सो दिस आर द मिस्ट्री बाउल मैसेजेस, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, सो जी यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप जहाँ पे पेट्रोल भरवाते हैं, मे भी कुछ वहाँ पे सीन हो आप दोनों का। दिस इज़ अ टी पर्सन, चाय बहुत पसंद है, नॉट योर एक्स, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ये बंदा आपका एक्स पार्टनर नहीं है, ठीक है। अनदर थिंग इज मॉडल और सिंगर, ठीक है, ग्रीन आइज, कलर्ड आइज, Sagittarius, also black hoodie, ठीक है। Earth sign हो सकते हैं, Taurus, Capricorn, Virgo, gentleman है, not rude या इस तरह का कोई सीन नहीं है, vegan, vegetarian हो सकते हैं,
एंड बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड, ये बंदा आपके सारे चाक्रा बैलेंस कर देगा, ठीक है। आप जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो समटाइम्स, कि यू आर सो नो मैं सब कुछ खुद करूँगी, ये है वो है, समटाइम्स यू टू फेमिनिन, लाइक मुझसे कुछ होता ही नहीं है, कोई आके करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी में जो कमी है ये बंदा आके बैलेंस कर देगा, इसकी एनर्जी कर देगी बैलेंस, ठीक है। क्लासी ड्रेसिंग सेंस, फेसिंग कर्मा, डू नॉट चेज, ठीक है, चेज मत करें किसी को रशिया, एंड दिस इज गुड लुक्स, आई लव यू। अनदर थिंग इज लाइक योर मैरिज प्रपोजल इज हियर, साउथ अमेरिका, ग्रेट स्माइल, ज्वेलरी लवर, इमोशनल है थोड़ा सा, सो अमेरिका से हो सकते हैं, यहाँ पे यूटा स्टेट आई है अमेरिका की लिखी हुई, एंड मार्स है, मार्स इज ऑलवेज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। एक्वेरियस, सेलमैन या सेल्स पर्सन, कुछ सेल करते हैं, मे बी ऑनलाइन या मे बी इन अ शॉप, यू नेवर नो। यहाँ पे योर लाइफ विद यू आर सो पीसफुल, ठीक है, सबको ऐसे लगता है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत पीसफुल थी। यहाँ पे है सैटर्न अगेन कार्मा, मे बी दिस पर्सन इज फेसिंग देयर कार्मा, यू नेवर नो, ठीक है जी। सो अब हम देखेंगे कि योर स्पाउस इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ओके सो ये हो सकते हैं पॉसिबल नेम इनिशियल्स, सबसे पहले है जी जी आर यू टी ओ पी डब्ल्यू क्यू एल एल एम एस आर सी एंड दिस इज जी एन वाई अगेन जी एफ अगेन एफ एन ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर वन। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय। Hey loves, hello and welcome. Welcome group number two. If you chose the second option, my love, let's see what comes up for you. क्या निकल के आता है आपके लिए? Who is going to be your future spouse and much more? Okay, उनकी personality, traits, कैसा रहेगा आपका और उनका connection? Okay जी, सबसे पहले आपके पास पेज ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड ऑल्सो यू हैव गॉट दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इंटरेस्टिंग ग्रुप नंबर टू। आपके पर्सन की जो वाइब है दैट इज something to do with your work, page of pentacles and ace of pentacles, ठीक है। ये वाइब है, ये पर्सन आपको वहाँ मिले होंगे या मिल सकते हैं जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर आप वर्क करते हो, ओके, एंड यू आर सो इनटू आई थिंक स्टडीज़ या वर्क के आप आई डोंट थिंक सो कि आप इनको इतना भाव देंगे बिकॉज यू आर मोर इन टू के भाई मैं अपनी स्टडी पे जो है ना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एक और भी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपको बहुत जल्द एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक ऐसी जिसे बोलते हैं ना जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि यू आर गोइंग टू बी लविंग योर लाइफ, ओके, आप अपनी लाइफ बहुत पसंद, आपको आपको
ये आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है। एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आप बहुत देर से इसको ढूंढ रहे थे, यहाँ पर यू आर परस्यूइंग योर दैट वेरी जॉब, ठीक है। सो आई बिलीव दिस हैज़ टू डू विद समथिंग न्यू, क्योंकि दिस इज़ अ न्यू एनर्जी और ये पर्सन भी आपके ज़िंदगी में नए हैं। आई डोंट थिंक सो एंड आई डोंट इवन क्लेम टू से ये पर्सन और आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। नो, आप लोग नहीं जानते हैं बेबी, ये कोई नया इंसान है और यू नीड टू यू नो बी इन दिस वेरी एनर्जी के जहाँ आपको ये चेंज एम्ब्रेस करना है, ठीक है। मे बी यू वर इन कनेक्शन विद समबडी विद समवन एल्स बिफोर और अब आप उसको यू वॉन्ट देम टू कम इन टू योर लाइफ, लेकिन वो आपको नहीं कमिटमेंट दे रहे मे बी। सो आई कैन से के मे बी अरेंज मैरिज भी हो सकती है या फिर बहरहाल ये जो भी है, आई थिंक पॉइंट नंबर टू के यू डोंट हैव टू वरी फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि होना वही है जो कि आपकी डेस्टिनी में है। बिकॉज मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी की वाइब्स दिख रही हैं। सो अगर आप किसी से कनेक्शन में थे, उसने आपको छोड़ दिया है, ठीक है, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, जस्ट लेट देम गो एंड लिसन टू योर पेरेंट्स लोग या फिर कोई और जो आपसे वाकई में शादी करना चाहता है। अच्छा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ। आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए पैशनेट होंगे, इसी आर है, लेकिन मुझे ऐसे चेंज साल दिख रहा है। मे बी आपको किसी ने बहुत भरम तोड़ा हो या उस आपको छोड़ के चला गया हो, आप उसके साथ सिंसियर हों, बट दैट पर्सन वॉज नेवर अ बिग थिंग, मतलब उसने कभी आपको कुछ चीज़ समझा ही नहीं, ठीक है, और उस चीज़ को लेकर के आप बहुत टेंशन में रहे हो या बहुत गुस्सा रहे हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, यार वाई मी, ठीक है। सो आई बिलीव पॉइंट नंबर टू के आप ही चेंज हो जाओगे, ठीक है। द मोमेंट दे चेंज्ड, आप ही ये डिसाइड करोगे कि मैं भी चेंज हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, ठीक है। मे बी यू विल ऑल्सो मैरी और से येस टू सम अदर पर्सन, आपके जो यू नो पेरेंट्स ने इसको पसंद किया या फिर कोई और हो सकता है आपको पसंद करता हो, आप उसके साथ चले जाओगे। यू विल ऑल्सो चेंज एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू नो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मोल्ड आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस, नेवर बी अ रिजिड पर्सन, लाइक नहीं ये तो नेवर, ठीक है। जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको बेंड हो जाना चाहिए, हमको मोल्ड हो जाना चाहिए। एंड कोई ऐसी सिचुएशन में स्टक है तो ग्रुप नंबर टू, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। लिसन टू योर पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल और अपने आप को रिलीज़ करो, लेट एवरी थिंग गो, ठीक है ना। गॉड पर ये बिलीव करो, गॉड डेफिनेटली आपके साथ जो भी करेंगे बेस्ट होगा। एंड यू कैन सी टेम्परेंस, ठीक है, आपके पर्सन का जो जिसे बोलते हैं ना तबीयत या मिजाज, दैट इज़ सो काइंड, सो हम्बल, सो पोलाइट, ठीक है, कि आपको लिटरली ज़िंदगी गुजारने का लाइफ इनके साथ गुजारने का मज़ा ही आ जाएगा। टेम्परेंस वैसे भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ समटाइम्स लिब्रा समटाइम्स सजिटेरियस, ठीक है। तो आई बिलीव ये पर्सन की सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी हो सकती है, इसके स्माइल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सिलिब्रा और सैजिटेरियस का कॉम्बिनेशन जब भी आता है दैट इज़ एब्सोल्युटली लवली, दैट इज़ एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये लोग बहुत काम होते हैं, ये बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लिटरली ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होते, हंसाते खिलाते रहते हैं और समटाइम्स स्पेशली लिब्रास, इनकी तो यू नो हंसी जो है कंट्रोल करना इनके बस में नहीं होता, दे ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड यू नो बहुत मुश्किल है इनको रोकना कि आप मत हंसो, बिकॉज दे आर ऑलवेज स्माइली फेस। यस ऑफ कप्स, न्यू लव इज़ कमिंग ग्रुप नंबर टू, और आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपके लिए एक नई मोहब्बत, एक नया दौर आपके ज़िंदगी का शुरू होने वाला है, दैट इज़ अ न्यू इरा, गेट रेडी, ठीक है। और ये हो सकता है ग्रुप नंबर वन ग्रुप टू के आप रिसेंटली किसी से मिले हो,
और वो पर्सन आपको पसंद करता हो, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू लव वाइब्स, बहुत ज़्यादा न्यू लव की वाइब्स हैं. ठीक है, फोर ऑफ कप्स. व्हाई आर यू डिसअपॉइंटेड? व्हाई? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे हाथ इस तरह खाली रह जाएंगे? नो, लो वाइब्रेशन, वार्निंग साइन, अलार्म, लिटरली बेल इज रिंगिंग, यूनिवर्स, डू नॉट थिंक लाइक दैट. आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, टू नॉट बी इन अ वे. ओके, एंड दिस इज 10 ऑफ सोर्ड्स. देखो, अपने पास्ट को बरी करो कहीं पर, अपने पास्ट को छोड़ो, वहाँ से निकलो एंड गेट आउट ऑफ दैट वेरी सिचुएशन के जहाँ आपको लगता है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया. बिकॉज आपको लगता है ख़त्म हो गया, लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ स्टार्ट. यू सी, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट. आपके पास दो एसेज आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स. न्यू लव, न्यू कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप का स्टार्ट, और एक और चीज़ का स्टार्ट, दैट इज़ योर फाइनेंशियल गेन, योर फाइनेंशियल सिचुएशन, जॉब, वर्क, एनीथिंग. तो ये जो आपको बरी द पास्ट, ठीक है, जो होगा उसको जाने दो, बिकॉज नई दीप रोशन है लिटरली. सो आगे चलते हैं और हम देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स. देखो, ये बंदा आपको देखने के लिए बहुत बेताब हुआ करेगा. दे लव हाउ यू लुक लाइक, दे लव योर ब्यूटी. आप फीमेल हैं तो ऑब्वियसली योर फेमिनिन ब्यूटी, योर हेयर, योर आईज, योर लिप्स, चीक्स, एवरीथिंग, ठीक है, दे लव इट. और इफ दिस इज ऑफ योर मेल, तो डेफिनेटली अगैन दिस पर्सन इज़ फॉलिंग फॉर योर लुक्स. ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा आप सुंदर लगते हैं, यहाँ पर यू नो हैंडसम लगते हैं, यू नो इट्स अ राइट वर्ड फॉर मेल्स. सो योर बॉडी, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, या कुछ भी ले लो, इवन योर स्किन टाइप, योर स्माइल. ठीक है, सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? सेवन ऑफ सोर्ड्स. देखो, चीटिंग है, या तो आपको चीटिंग रोका हुआ है किसी से, यहाँ पर इनको हुआ है, ये तो है चीटिंग धोखे की वाइब तो है. ठीक है, बट यू डोंट हैव टू स्टक इन द पास्ट फॉर दैट. ठीक है, चीटिंग हो गई तो हो गई है, आपको निकलना है आगे. ठीक है, यू नेवर गोइंग टू बी स्टेइंग दैट फॉर समबडी, बिकॉज क्या फ़र्क पड़ता है, यू नो. जिसने चीटिंग करनी है, जिसकी नेचर में चीटिंग है, उसने करनी है, आप उसको नहीं रोक सकते हो. ठीक है, फाइव ऑफ वॉन्स. देखो, जहाँ तक इन लोगों का सवाल है कि जो बोलते हैं कि भाई कार्मा चाहिए, हमें कार्मा चाहिए, जिसने हमारे साथ बुरा किया उसके साथ क्या होगा, वो कार्मा, वी वांट रिवेंज. ठीक है, आप खुद भी की लाइफ पर फोकस करें एंड लेट कार्मा डील देम, बिकॉज कार्मा इज़ कमिंग फॉर देम. ठीक है, अब मैं ऐसी रीडर नहीं हूँ कि हु इज़ गोइंग टू टेल यू कि उनके साथ क्या होगा, उनको सही हो जाएगा, उनके साथ बुरा हो जाएगा. राइट, दिस सी, वेट एंड वॉच. आपको खुद ही दिख जाएगा कि जब कार्मा वर्क करता है, कि जब आपका वो पलट करके आपके पास वापस आते ही है चीज़ें, तो क्या होता है. ठीक है, आप वेट करें, वॉच करें, बिकॉज कार्मा इज कमिंग. मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी. ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आप दोनों मिलेंगे कैसे. हाँ, एस ऑफ वॉन्ड्स. देखो, ये कोई एक्साइटिंग ट्रिप हो सकता है, ये कोई आपकी ऐसी चीज़ हो सकती है कि मे बी आप किसी वेकेशन पे जाओ, किसी इवेंट पे हो सकता है, फैमिली इवेंट हो सकता है, कोई ऐसा इवेंट है जहाँ सब बहुत खुश हैं, बहुत पैशनेट हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, सो ये ट्रिप हो सकता है, यहाँ पर आप का हो सकता है वेकेशन वगैरह या शादी ब्याह का उस तरह का सीन. टेन ऑफ कप्स, ठीक है, ये बहुत ही घर गृहस्थी वाला इंसान है, बहुत ही, दे आर सो लविंग. टेन ऑफ कप्स, आपको एक फैमिली सिक्योरिटी मिल जाएगी. ठीक है ना,
जिसके लिए आप बहुत क्रेव कर रहे थे. इवन इफ दिस इज़ अ अरेंज मैरिज, लेकिन स्टिल ग्रुप नंबर टू ये इंसान आपको महसूस नहीं होने देगा कि ये अरेंज मैरिज थी. आपको यूं ही लगे कुछ समय बाद कर मुझे तो लगता कि ये लव मैरिज थी. ठीक है, थ्री अवार्ड्स बहुत ही फॉरसाइटेड है, दूर की सोचता है. और थ्री अवार्ड्स इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समबडी के जो कि एक प्लानर है. इनके पास एक फ्यूचर का प्लान हुआ करेगा कि 5 साल बाद हम वहाँ जाएंगे, वहाँ होंगे, 2 साल बाद वहाँ होंगे, ये बेबीज हुए हैं, इनका ये करना है, इनका वो करना है, इनके लिए प्रॉपर्टी बनाएं, इसके लिए पैसा रखें. ठीक है, सो देयर नेवर अ केयरलेस फादर, वी इवन यू नो वेरी केयरफुल हस्बैंड एंड वेरी वेरी केयरफुल केयरिंग फादर या मदर. ठीक है, जो भी इनके जेंडर है. So I just want to check out के what can be their profession group number 2. Wisdom, तो मे बी दे कैन बी अ टीचर, दे कैन बी न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर. ठीक है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट इस तरह का कुछ सीन है. हो सकता है ये कोई ऐसा काम करते हैं कि जहाँ पर ये ट्यूटोरियल देते हैं, लोगों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सेम एनर्जी है टीचिंग प्रोफेसर. या फिर ये सेल्स डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत हाई है. ठीक है, फाइनेंसेस, पैसा. सो फाइनेंसेस, फाइनेंशियल डिग्री हो सकती है अकाउंट्स में, या अकाउंट्स में डिग्री हो सकती है इनकी, या फिर मे बी इंश्योरेंस कंपनी में, या इस तरह जहाँ पैसों की डील होती है, किसी भी कंपनी में हो सकते हैं, बट देर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, बैंक में हो सकते हैं. हाई प्रिस्टेस और हाई प्रिस्ट, अगेन दिस इज़ दी एनर्जी के जहाँ पर ये पर्सन टीचर है. ठीक है, बहुत सारे लोगों से डील करता है. यहाँ पे ये सीईओ या मैनेजर भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर इन द हाई पोस्ट. आई कैन ऑलरेडी सी देम ऑन अ हाई पोस्ट. ओके, सो हाउ इज दिस कनेक्शन गोइंग टू बी? ओह माय गॉड, अगेन यहाँ पर लव आया है. सो दिस एनर्जी इज सो लविंग. ठीक है, ये लव कार्ड है, और दे लव यू फॉर हु यू आर. ठीक है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन. देखो, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि यह पर्सन हो सकता है कि इसकी मेंटल सिचुएशन या फिर इसको कोई ट्रॉमास हो पास्ट में. ठीक है, तो ये आप ठीक करेंगे. ठीक है, ये एक्सपेक्ट करता है कि आप आकर के इनकी मदद करो और इनको इस चीज़ से निकालो. ऑफकोर्स यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर मॉम कि आप उसको ठीक करो, लेकिन एटलीस्ट दे कैन एक्सपेक्ट यू to treat him better way. ठीक है, क्या मिल रही है? लेकिन बहुत ही ज़्यादा ना सोफिस्टिकेटेड से होंगे, लाइक काइंड, और लाइक आपके लिए डेट्स बुक करना या फिर अपनी चीज़ें लेके आना, गिफ्ट्स लेके आना. दिस सो सोफिस्टिकेटेड पर्सन, सो पोलाइट. ओके, सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट योर हैबिट्स. ठीक है, इनकी हैबिट्स कैसी होंगी और मतलब कैसे इनकी नेचर होगा. कन्फ्यूजन, देखो ये इनका एक सीन है, थोड़ा सा इनका शेडो साइड है कि दे आर नॉट गुड इन मेकिंग डिसीजंस. ठीक है, तो मे बी दे आर डिपेंडिंग ऑन यू समटाइम्स कि आप उनकी जगह पर जो है डिसीजन लें. ठीक है, आई बिलीव यू आर गोइंग टू बी टेकिंग इनके लिए फैसले लेना. आई थिंक आपको उसमें करेंगे कि तुम बताओ मैं क्या करूँ. जॉय, बहुत खुश रहने वाला इंसान है, डांसिंग एंड स्टाफ लाइक दैट. राइट, अनदर थिंग इज क्वेस्ट, ऑलवेज सर्चिंग. और दिस पर्सन इज वेरी गुड इन डाटा एंट्री, और मे बी काम भी कोई ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे सर्चिंग ये सब चीज़ें चलती हैं. और ये बंदा कभी भी यू नो एक जगह पर रुका नहीं है, मतलब दे आर नेवर स्टैगनेंट, दे आर ऑलवेज के
वक्त के साथ साथ ही ढलता आ जाता है, ठीक है। फेथ इसका बहुत स्ट्रांग है, दिस इज सच अ लवली पर्सन, आई गेस। या सो ग्रुप नंबर टू, अब हम आगे चलेंगे। आई जस्ट वांट टू चेक आउट सम यू नो सम चार्म्स एंड मिस्ट्री बॉल फॉर यू, ओके। ऑलराइट, पाइल नंबर टू, सो लेट्स सी द मिस्ट्री बॉल फॉर योर पर्सन, कि क्या मैसेज निकलता है। So, okay, all right, so let's see, group number two, you have got the family person, so ये काफ़ी family oriented है, Mercury, ठीक है, बड़ा बुद्धिशाली है, very educated, जैसे मैंने पहले बताया आपको, do not chase, ठीक है, लेट दैम कम टूवर्ड्स यू बाई दैम सेल्फ। डेट ऑफ बर्थ 1 से 7 के बीच में हो सकती है। ऑनलाइन सेलिंग, डांसिंग या म्यूजिक क्लास। इमोशनल बीइंग, लविंग है, फेमस हो सकते हैं। बी माइन, आई कैंट वेट एनी मोर। लीब्रा, ठीक है, डोंट बी ऑब्सेस्ड, इनके साथ ऑब्सेस नहीं होना, इनको चेज नहीं करना। पाइल नंबर टू, दे कैन रन अवे, यू नेवर नो। लाइफ विद यू वाज सो पीसफुल। डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 8 से 14। आर्मी में हो सकते हैं या पुलिस में। वेवी हेयर, USA, LA निकला है। योर मैरिज प्रपोजल इज हियर। एक्सट्रोवर्ट, बाहर घूमना फिरना इनको काफ़ी पसंद है। UK या फिर इंग्लैंड। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, योर्स ओनली, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। बैंक, ठीक है, न्यूयॉर्क, रशिया। यंगेस्ट हो सकते हैं बहन भाइयों में सबसे। कॉफी लवर। डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 15 से 21। एक्टर, सिंगर या मॉडल। सो ये ह्यूज वाइब है आपके पर्सन की, ठीक है। सो नेम निशा रह गए हैं, वी वांट टू चेक दैट एज वेल। Oops, so these are the initials of your man or woman, let's see, okay, so सबसे पहले आपके पास है B, T, P, A, L, I'm hearing Pallavi, F, A, again Z, U, N, T, H, E, and I, X है यहाँ पर, D है, Y है, again Z, X, V, and W, ठीक है, this is W. So, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Till then, take care. Bye-bye.